एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं गौतम बुद्ध ने कहा था। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, पर्वतों से घिरा हुआ एक छोटा सा स्थान है रवांगला, जहाँ की बुद्धा पार्क बेहद खूबसूरत और आकर्षक है, जिसे तटांगता टीसोल भी कहा जाता है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं रवांगला में, और आप मेरे सामने देख सकते हो कि बुद्धा पार्क जाने का ये मेन गेट है। बट हाँ, प्रवेश करने के लिए मुझे सामने के काउंटर से टिकट लेना होगा पहले। टिकट फेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप टूरिस्ट हो या जनरल पब्लिक हो तो आपको 50 रुपीज़ देने होंगे पर इंडिविजुअल। अगर आप फॉरनर टूरिस्ट हो तो 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर इंडिविजुअल। और अगर आप लोकल स्टूडेंट हो तो आपको ओनली 3 रुपीज़ देने हैं। या फिर अगर आप पैरामिलिट्री में हो, आर्म फोर्स में हो या पुलिस में हो तो आपको 25 रुपये लगेगा। कोविड की वजह से कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं यहाँ पे। अभी मैं 8000 फीट के एल्टीट्यूड पे हूँ, और आप जो मेरे सामने बुद्धा का स्टैचू देख रहे हो उसका हाइट ऑलमोस्ट 130 फुट है, लगभग 40 मीटर। इसको बनाने में लगभग 60 टन्स ऑफ कॉपर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 9 वाटर बॉल है, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 1-2 रुपए का जो है क्वाइंस है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये क्वाइन डालने से विश पूरी होती है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो प्रेयर कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसके अंदर के व्यू को अब हम देखते हैं। Thank you.
यहाँ पे चारों तरफ हिमालय है और यहाँ से आप कंचनजंगा का भी व्यू देख सकते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत है। गैंगटक से रवांगला का सफ़र आप पर्सनल कैब करके कर सकते हो जिसका कॉस्ट आपको 20,000 to 2,500 पड़ेगा जिसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर। या फिर आप सिलीगुड़ी से डायरेक्ट रवांगला आ सकते हो जिसमें आपको लगभग 4 घंटे लगेंगे। आई एम डैम श्योर एक बार इस ब्लॉग को देखने के बाद आप इस जगह को विजिट करना ज़रूर चाहोगे। स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 2013 में कंप्लीट हुआ था और इसका इनॉग्रेशन गौतम बुद्धा के 2550th बर्थ एनिवर्सरी पे हुआ था उस समय के चुने गए हुए 14th दलाई लामा द्वारा। प्रकृति की खूबसूरत तस्वीर अगर आपको देखनी है तो एक बार आप रवांगला जरूर आइए। Thank you.
टेम्पल के पास में जो रेस्टोरेंट है एक, वहाँ पे आए हैं। तो चलिए, रेस्टोरेंट का ओनर है, उनसे पूछते हैं क्या मिलता है यहाँ पे खाने को। आपका नाम क्या है? मणिराज। तो यहाँ पे ये वेज है या नॉन वेज है? ओनली वेज। वेज है। वेज में क्या आइटम मिल जाएगा आपके? मोमोस है, पराठा, बर्गर, सैंडविच। सैंडविच है और ट्रेडिशनल फ्रूट। ओके, और जिंजर टी मिलेगा? जिंजर टी, लेमन टी, हनी जिंजर। वेज मोमो, एक जिंजर टी और एक सैंडविच बना दीजिए हमारे लिए, ठीक है? थैंक यू।